छात्राओं को संस्कृत का पाठ पढ़ाने वाले गुरुजी हैं गंदे। नाबालिग छात्राओं के साथ करते हैं अश्लील हरकतें। छात्राओं को पढ़ाने के बहाने कमरे में बुलाकर गंदी हरकतें करते हैं। आपको बता दें कि बौन वर्ची यह वही संस्कृत के गुरुजी बस्तीराम हैं, जिनके खिलाफ दो बार पहले भी छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के आरोप लग चुके हैं, लेकिन उम्र का लिहाज व उनकी पहुँच के चलते इन पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई और पंचायत में ही मामले को रफा दफा कर दिया जाता रहा। लेकिन अब की बार एक 8वीं क्लास की नाबालिग छात्रा को अकेले क्लासरूम में बुलाकर उसके साथ अश्लीलता की सभी हदें पार कर दी, जिसकी शिकायत पीड़ित छात्रा ने अपने परिजनों को गुरुजी की गंदी हरकतों के बारे में बताया। परिजनों ने इसकी शिकायत जाटूसाना थाने में दर्ज करवाई। अब पुलिस भी बार बार शिकायत मिलने पर गंदे गुरुजी के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। और लड़की स्कूल में गई थी, कल स्कूल में से आने के बाद लड़की ने बताया, पापा मेरे साथ ऐसे ऐसे हरकत हुआ। मैं बोला, बेटा क्या हरकत हुआ? लड़की रोने लग गई, पापा मैं आपको बताऊंगा तो मेरे को शर्म आती है। क्यों बेटा, शर्म आने वाली बात क्या है इसमें? उसने बताया, पापा मैं स्कूल के अंदर गई और उस सर जी ने बोला एक बार कमरे में आओ, कुछ सामान लेने के हैं। उसने मेरा हाथ पकड़ा, मैं छाती पे हाथ मारना जबरदस्ती करने लगा। फिर मैंने हाथ छुटा के घर पे भाग दिया। फिर मैंने पापा से उसको बता दिए सारी बात आके। फिर हम सब लोग स्कूल में गए, तो अधिकारी बुलाए, सब लोग बुलाए। फिर उसको मास्टर का उसको बातचीत करी, मास्टर ने बोला भाई इसका जो भी है उसका काला पीला करके इसको बाहर करो और उसको पुलिस में दो। फिर हमने उसको कार्रवाई चालू की। पहले भी ये टीचर ऐसी हरकतें कर चुका है? जी, भी एक बार भी हरकत कर चुका है। क्या नाम है टीचर का? टीचर का जी श्री बस्तीराम है जी, इसका नाम जी। पहले आशक पाचौर में करका, फिर बालावास में किया, बालावास से आके फिर हमारे गाँव में किया जी। तीन दफा हो गया, बताओ बार बार इसको छोड़ेंगे तो कैसा काम चलेगा? बच्चों को कैसे पढ़ाए जाएंगे? सरकार तो कहती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या करें? तो फिर हम कैसे करेंगे? तो फिर बच्चों को तो कहीं जाने लगे कैसे? फिर ये ऐसे ऐसे मास्टर हो जाएंगे, टीचर हो जाएंगे, काम तो नहीं चलने वाला। इससे बड़े तन पढ़े रख लेंगे घर में, क्या फिर फायदा है इससे? हमारे देश के जो प्रधानमंत्री कैसे पढ़ेगी? इससे फायदा तो अपने बच्चे को अनपढ़े रख लेंगे ना, फायदा क्या है? 25,000 जी मेरे पास है नहीं, आप जो करो कर सकते हो। हमें चाहिए क्या कार्रवाई जी, इसको सजा होनी चाहिए जी जी जी। जो और बाकी टीचरों को भी मालूम पड़े, हाँ भाई कैसा काम है हो रहा है, ये सब आदमियों को मालूम हो जाए। क्या मामला था? मेरे बेटी स्कूल में गई थी, स्कूल में गई तो उस टीचर को इसने बुलाया अंदर, उसने छेड़खानी की तो इसने सांझ ने आके मेरे से बोली, मम्मी या बात हुई मेरे गल, टीचर ने ये छेड़खानी की। तो फिर मैंने बोली, बेटा कोई बात नहीं, सुबह करेंगे बात, अब तो गए भी। सुबह स्कूल में गई, स्कूल में जाकर उसकी गैल चली, उसको उठती। जब हमने कार्रवाई आगे की, आप ही इसको कार्रवाई करो, सच सजा मिली जी। बच्ची छेड़खानी हुई है? हाँ। किस तरीके से उसने भीतर बुलाया कमरे में, कमरे में हाथ पकड़ा, छाती पे हाथ मारा, उसने चुमा चामा लिया। सर जी, मामला तो ये है कि सरकार तो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उसका फायदा क्या है? सरकार तो कुछ कदम उठा ही नहीं रही। पहले इसने आशे की गांव में ऐसा काम किया था इसी टीचर ने। क्या नाम है इसका? बस्तीराम है। इसने वहां मामला होने के बाद यहां मुकेश यादव और सुरेश को गया BODO, इन्होंने क्या लिपा पोती करके इसको पालावास ट्रांसफर कर दिया। पालावास में भी यही हरकत की गई। पालावास में हरकत करने के बावजूद भी हमने FIR भी कराई, हमारी FIR भी लेट दर्ज हुई, और उसके बाद पुलिस ने लिपापोती करके कोई प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद अब इसका हमारी FIR कैंसिल होने के बाद हमने तो केस दर्ज कर ही रखे हैं, पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उसके बाद हम कागज कार्रवाई इजरा डाल के कार्रवाई कर रहे हैं। जब आपके बच्चे के साथ मामला हुआ था, आपने पुलिस में मामला दर्ज कराया, SP से मिले, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, क्या कहा अधिकारियों ने? अधिकारियों ने ये कहा कि ये झूठे मामले हैं जी, सारी प्रशासन की लिपापोती हुई है, इसी का कारण सारा मामला हुआ है। अभी क्या सुना आपने? अभी उसी टीचर ने कही कुछ और कर दिया? हाँ, उसी टीचर ने। अब मामला ये है कि हमारे को सुनने में आया कि उस टीचर ने छेड़खानी नजदीक गाँव है जटसाने के नजदीक, वहाँ पे फिर ये कांड कर दिया। तो इसमें प्रशासन क्या करेगा? लड़की के साथ हरकत, तीसरी बार हरकत, और अब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। कल हमारे जटसाना क्षेत्र के एक गांव से शिकायत मिली कि सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ने वाली एक बच्ची के साथ वहीं उसी स्कूल के टीचर ने जो है वो कुछ गलत हरकत की है, जिसके ऊपर शिकायत मिलने पर FIR दर्ज की गई है और आरोपित टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। किन किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज? इसमें SC ST और POXO के तहत। लड़की नाबालिग थी जी।